वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज है हम सब अनिल ठेका के क्लाउड किचन पे और आज हमें काफी सारी चीजें खाने को मिलेंगी और आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये है हिमांशु भैया जिनसे हमने आपकी मुलाकात अनिल ठेका पे करवाई थी। हिमांशु भैया, आप मुझे सबसे पहले क्लाउड किचन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। क्लाउड किचन क्या होता है? क्लाउड किचन एक घोस्ट किचन होता है जो कि फिजिकली प्रेजेंट ना होके प्रेजेंट होता है। उसको क्लाउड किचन इसलिए उसका नाम रखा गया है, आसमानों में किचन। और क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट जो होता है, बहुत कम लोगों को पता है कि क्लाउड किचन कैसे मेंटेन होता है, कैसे चलता है, उसको कैसे रखरखाव होता है। हमारा ये शूट करने का यही एक मोटिव था कि हम बताएं कि कितना हाइजीन हम क्लाउड किचन में मेंटेन करते हैं। नॉर्मली कोविड है या नहीं है, फिर भी हमारा क्लाउड किचन कितना हाइजीनिक होता है। हिमांशु भैया से आपकी मुलाकात हो गई, अब हम अपने हेड शेफ के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो एक्चुअली में क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपरेशंस चल रही हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो। सर, आप बताएंगे कि आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? अभी ये मैं चिकन कैसेनोवा बना रहा हूँ। चिकन कैसेनोवा? कैसेनोवा ये व्हाइट में होगा के बाद हमारे ग्रेवी आइटम भी है। एकदम ही हट के नाम है चिकन कैसेनोवा। चिकन हम आपको ग्रेवी में बरेली खिलाएंगे, चिकन बरेली। चिकन बरेली तो मैं उसके साथ ज़्यादा पसंद करते हैं। और अपना स्टार्टर में हमारे पास चोकोबार है। अच्छा, स्टार्टर्स भी हैं, सिर्फ मेन कोर्स नहीं है, स्टार्टर से आप स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं, स्टार्टर से पहले स्टार्टर चिकन चोकोबार। तो उसका शेप क्या, जो आइसक्रीम आती चोकोबार उस टाइप का रहेगा क्या? तो ये सारी चीज़ें आपने तैयार कर ली हैं, आप एक एक करके बना रहे हैं? जी, मैं एक एक करके बना रहा हूँ। ये अभी चिकन कैसेनोवा रेडी हो रहा है। अभी रेडी नहीं हुआ, अभी बहुत प्रिपरेशन बाकी है। मतलब एक स्टेप हो गया है। जैसे हमने मंगोड़ों को तलते हुए देखा है, वैसे आज हम चिकन देख रहे हैं। वेजिटेबल्स का टॉस्ट भी होना बाकी है। ओके, एक फाइनल टचअप भी लगेगा इसमें वेजिटेबल्स के साथ। और यहाँ पे ये क्या रेडी हुआ है शेफ? अभी ये हमारा सॉसेज हो रहा है। सॉसेज? सॉसेज। ओके, सॉसेज चिकन है। ये चिकन है पूरा ना? लेग पीस यानी बॉइल्ड रहेगा ये। काफ़ी प्रोटीन रहेगा इसमें। चिकन ब्रेस्ट से बना हुआ है क्या ये? हाँ, चिकन ब्रेस्ट। ओके, चिकन ब्रेस्ट काफ़ी प्रोटीन होता है उसमें, उसी से बना हुआ है और बॉयल हो रहा है। तेल वगैरह कोई रोल नहीं है उसमें, तो काफ़ी हेल्दी है। और किचन की आप क्वालिटी देख सकते हैं, पूरा अच्छे तरीके से साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये है स्टोरेज अनिल ठेका का, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हांडी जो यहाँ पे बिरयानी और चिकन और मटन जो हांडी में आता है, तो हांडियाँ ये रखी हुई हैं, एकदम साफ है। ये बिस्लरी की बॉटल्स वगैरह यहाँ पे रखी हुई, सारे मसाले यहाँ रखे हुए हैं जो जो यूज़ होते हैं इनके किचन में, तेल वगैरह, ये स्पाइसेस, ये देख सकते हो जो हम घर में यूज़ करते हैं ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये तो मैं खुद ही खाता हूँ, अमूल फ्रेश क्रीम। एक बार मैं तेल देख लेता हूँ, तेल कौन सा यूज़ होता है। सो तेल ये है तुलसी गोल्ड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, जो हम खुद यूज़ करते हैं अपने घर पे। मतलब मेरे यहाँ ये यूज़ होता है, दूसरे लोगों के यहाँ और कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये स्टोरेज है, आप आराम से ऑर्डर करिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हांडी में खाने का अलग ही मज़ा होता है, जैसे कि सबको पता है। अभी हमारा रेडी हो रहा है कोलकाता एग रोल, रोल भी टेस्ट करेंगे आज। अभी जो आप ये साइज़ देख रहे हैं इसका, ये मैं अपने लिए पर्सनली बनवा रहा हूँ, इसलिए इसका साइज़ छोटा मैंने बोला है, ताकि जितना मैं कंज्यूम कर सकूँ। अदरवाइज़ जो इसका नॉर्मल साइज़ होता है, जो डिलीवरी में जाता है, वो इसका जस्ट ट्रिपल साइज़ होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एग रोल में आप कितना उसको खा सकते हैं, कितने लोग उसको आराम से इन्जॉय कर सकते हैं। 120 रुपीज़ जो इसका प्राइस आता है, जस्ट इसका ट्रिपल साइज़ आता है। तो आप इसको आराम से इमेजिन करके देख सकते हैं कि ये एक साइज़ है तो इसका जस्ट ट्रिपल कितना होगा, एंड 120 रुपीज़ में। ये है मुर्ग मनाला, जो अभी सॉसेज मैंने नाम लिया था, जो बॉईल हो रहा था। अब देखो इसका आउटकम कैसा आया है, कितना सही लग रहा है। इसमें ऑयल परसेंटेज आप देख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं है। बॉईल होने की वजह से ये जो आप देख रहे हो टेक्सचर, ये पानी का टेक्सचर है, ये ऑयल नहीं है। ये बहुत सही आउटकम आया है इसका। अब ये टॉस होगा, एक फाइनल टचअप देंगे इसको, एंड इसके बाद ये रेडी टू ईट हो जाएगा।
यहाँ पे रुमाली रोटी पराठा वगैरह यहाँ पे रेडी होता है। तो आप लोग अगर ऑर्डर करना चाहो तो रुमाली रोटी पराठा ये सब भी ऑर्डर कर सकते हो, आपको अगर घर पे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है तो। रेट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। और आप ऑर्डर कैसे कर सकते हो, आप जोमेटो पे अन्नी ठेका को सर्च करके उनको ऑर्डर दे सकते हो डायरेक्टली। एंड यहाँ पे इनका खुद का पर्सनल डिलीवरी सिस्टम भी है, तो वो भी आप कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे है, जिससे आप कॉन्टैक्ट करके डिलीवरी, आपको जो भी खाना है वो ऑर्डर दे के आप अपनी डिलीवरी अपने घर पर ले सकते हो। हाइजीन आप देख रहे हो, किचन एकदम साफ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हेल्थ एंड हाइजीन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आराम से ऑर्डर करो, घर बैठे चिकन का मज़ा उठाओ। मटन खाना है तो मटन का मज़ा उठाओ, मटन भी है यहाँ पे, चिकन भी है, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। अब रेडी हो रहा है चिकन कैसानोवा, इसके बाद मेन कोर्स रेडी होगा हमारा। ये तीनों टाइप के कैप्सिकम, येलो रेड एंड ग्रीन, मज़ेदार, नमक स्वाद अनुसार आ रहा है इसमें। अब इसमें थोड़ा सा वाइट पेपर भी डाला जाएगा एवरेस्ट का, थोड़े से चिली फ्लेक्स, हम स्पाइसी कम प्रेफर करते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा स्पाइसी रहता है। अमूल क्रीम एकदम फ्रेश है, जो स्वीट ओके मीठा दही, मीठा दही देखते ही देखते जो आपने इसको बना दिया है ना, सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं, लग गई हैं, अब सिर्फ इनको टेस्ट करना है। सबसे पहले हमारा ये मुर्ग बरेली जो वाइट ग्रेवी में आया है, ये देसी ग्रेवी के साथ है, ठीक है। ये कैसानोवा चिकन है, ये चिकन चौकोबार है, ये एग रोल है, कोलकाता एग रोल है, ये मुर्ग मनाला है, और ये अपना मेंटल रोल है, और एक रुमाली रोटी। तो ये सारी चीज़ों को टेस्ट करना है, आज हमने ये बनवाया है। और आप भी ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, अपना खुद ही टेस्ट कर सकते हैं। और मेन्यू लिस्ट जो है इसकी फ़ोटो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पूरा मेन्यू चेक कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो हमारे साथ हिमांशु भी अभी टेस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों को भूख लगाई है भाई, और दोपहर भी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं चिकन चौकोबार टेस्ट करूंगा। और ये जो डिप देख रहे हो आप, ये चुकंदर होता है ना, बीट रूट, उसकी है ये। लेकिन बीट रूट होने की वजह से ये मत सोचना कि ये कड़वी होगी, ये बहुत अच्छी है, हल्का सा इसमें मीठापन है और खट्टापन है। इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये है चिकन चौकोबार, डिप के साथ अच्छा लग रहा है, हल्का सा ठंडा हो गया बस, और अगर सूखा भी खाओगे हाँ तो भी सही लगेगा। तो इसकी जो क्रंचीनेस है वो बहुत ही बढ़िया, चिकन का टेस्ट पूरा आ रहा है, अलग ही साउंड में आ रहा है कि चिकन का बना हुआ है। और जो डिप है इसकी वो बीट रूट की होने की वजह से काफ़ी हेल्दी है, साथ में वो कड़वी नहीं है और एनहांस कर रही है डिप। अभी चिकन कैसे लोगों को ट्राई करेंगे, उसकी मेकिंग को आपने देख ली है, इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है, मुँह में जाते ही साथ चिकन जो है वो पिघल रहा है लिटरली, एकदम सॉफ्ट चिकन, फ्रेश चिकन है। और अभी चिकन की डिमांड काफ़ी हो रही है लॉकडाउन में, इसमें जो क्रीम का जो टेक्सचर आ रहा है ना बहुत ही बढ़िया, और ये मॉडिफाई हो सकता है अगर आपको काफ़ी स्पाइसी चाहिए है तो आपको स्पाइसी भी मिल जाएगा काफ़ी। मैं कम स्पाइसी खाता हूँ इस वजह से मैंने इसको स्पाइसी नहीं बनवाया है। ये है मुर्ग मनाला जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, खाना ठंडा हो गया है बट उसके बाद भी बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। अब मैं टेस्ट करूँगा कोलकाता एग रोल, सारी गनी ट्राई करो उसको विदाउट। सिंपल कुछ नहीं है, मैं रिच इन एवरी वे, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, इजी टू डाइजेस्ट। हाँ हाँ हाँ, और आपको खाने के बाद हैवीनेस बिल्कुल नहीं लगेगी बिल्कुल, क्योंकि जो वेजीज है ना उसके अंदर वो जो फाइबर का काम करते हैं तुरंत उसको डाइजेशन में काम आ जाएगा। बड़ा जूसी लग रहा है, अच्छा फ्रेशनेस फील हो रही है, बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स ना, मस्त चाय फ्रॉम अन्नी ठेका, बहुत ही अच्छा रोल है ये, कोलकाता एग रोल का नाम है, आप जरूर इसको ट्राई करें। अब हम ट्राई करेंगे मेंटल रोल, खुद ही लोटेड है जिसको आप देख सकते हो, इसकी जो स्टफिंग है चिकन के पीसेस में पूरे रोल, ऐसा नहीं है कि जो दो चार चिकन के पीस डाले पूरा भरा हुआ है ये, देख रहे हो
खाने के बाद भी पूरा भरा हुआ है, पूरा चिकन चिकन ही है ये, अंडा होने के बाद भी ये आराम से उबल रहा है मुँह में। क्लाउड किचन के फायदे यही है कि आप लॉकडाउन में भी इन सारी चीज़ों को घर बैठे टेस्ट कर सकते हो, आपको घर से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मेन कोर्स की बारी है, ये मुर्ग बरेली जो कि वाइट ग्रेवी में है, और ये देसी जो ये सबसे ज़्यादा चलता है, लोगों को सबसे ज़्यादा खाने का मन करता है चिकन देसी ग्रेवी में। ग्रेवी में टेस्ट करो पहले, ग्रेवी टेस्ट करते हैं। मक्खन बहुत ही उम्दा, बटर चिकन का जो रहता है, बटर चिकन की ग्रेवी से और ज़्यादा एक स्टार एनहांस है ये वाइट ग्रेवी, बहुत बढ़िया। मसाले एकदम बारीक, एकदम महीन, हल्का सा जो क्रीम का टेक्सचर आ रहा है, जो गर्म मसाले का टेस्ट आपको हर एक बाइट में इस ग्रेवी में भी, जब आप इसको अंदर करके च्यू करोगे, गर्म मसाले अलग से आपको मिलेंगे। इलायची का टेस्ट बहुत उम्दा आ रहा है, एकदम मिला हुआ देसी ग्रेवी, ऐसी टेस्ट करूँगा हल्का सा। एकदम मसालेदार, चटकदार, सारे मसालों के साथ ही मिली हुई है देसी ग्रेवी, जो चटकदार खाने का मन जिनका रहता है। इसमें स्पाइसीनेस एकदम कम है, इसमें मसालों के कारण हल्की सी स्पाइसीनेस है। तो ये था आज का एक और फूड ब्लॉग, आप लोग को काफ़ी नीड रहती, काफ़ी डिमांड रहती कि फूड ब्लॉग करो, तो ये था फूड ब्लॉग। क्लाउड किचन है अनिटेका का ही है, आपने अनिटेका का वेज वाला जो कंसेप्ट देखा था उसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, आप वो भी देख चुके हैं, नहीं देखा था वो भी देख सकते हैं। और सेम वही उन्हीं का क्लाउड किचन है, ये नॉनवेज में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और दोनों का टेस्ट वेज और नॉनवेज अल्टीमेट है। वेज अलग चलता है, नॉनवेज अलग चलता है, मिक्सअप दोनों ही नहीं है, तो जो वेज खाते हैं वो एकदम फ्रीली खा सकते हैं, नॉनवेज का कोई रोल नहीं है उनके खाने के बनने में, उनके सामान रखने में कोई दिक्कत नहीं, और नॉनवेज वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे वेज में बने चाहे नॉनवेज में बने, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसको ऑर्डर कर सकते हैं, आप जोमेटो के थ्रू भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस जो है, अगर 500 का मिनिमम आपका बिल है तो उसमें आपकी डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगी, उससे अगर कम का है तो जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और आप मेन्यू लिस्ट को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इमेज छोड़ दी है, वहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। और एक और चीज़ है जो अभी अभी मुझे पता चली है कि अनिटेका की खुद की वेबसाइट भी अब चालू हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी है, तो आप डायरेक्ट उन पे भी ऑर्डर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग अपना ध्यान रखें, और चिकन खाने का काफी अर्ज हो रहा है, मटन खाने का काफी अर्ज हो रहा है, तो ऑर्डर करें और अनिटेका को एक चांस जरूर दें कि वो अपना टेस्ट आप तक पहुंचा सके, और जल्दी इनका आउटलेट भी हमें देखने को मिलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ।